पीपल पूजता हो, नीम पूजता हो, केला पूजता हो, आम का पेड़ पूजता हो, कुत्ता पूजता हो, घोड़ी पूजती हो, गधा पूजता हो, छपकली पूजती हो, छचूंदर पूजती हो, चूहे पूजते हो, और जहां हमें पानी पीने का तक अधिकार ना हो, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से शान की जिंदगी दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके अपनी बात को शुरुआत। तो आज की डेट में इतना युवा बेरोजगार है कि कांवड़ लेने के लिए पिछड़ी जाति और दलित जाति का ही सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा ढो रहा है, जिससे आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे। आपने योग्यता प्राप्त की है, आप योग्य हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से अवगत कराइए कि आपका रास्ता शिक्षा के विद्यालय से आपको इंजीनियर बनाएगा, आपको डॉक्टर बनाएगा, आपको आईएएस बनाएगा। आप साथियों, आज जो आप यहां पर बैठे हैं तो केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से बैठे हैं, जो आप यहां पर आप अपने बच्चों को अवार्ड ले रहे हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, एक महिला बहन आई थी हमारी महाराष्ट्र से, यहां लगभग भारत की महिलाओं को दुर्गा चालीसा याद होगी, शिव चालीसा याद होगी, हनुमान चालीसा याद होगी, आपने सबको याद किया, चारों वेदों को पढ़ा, छह शास्त्रों को पढ़ा, 68 तीर्थों पे गए, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि हमारे लिए हमारी बहनों को पढ़ने का जो अधिकार दिलवाया वो हमारे बीच में जिन्होंने ये संघर्ष किया, जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों को पढ़ने का अधिकार दिया, वो कोई और नहीं, माता सावित्री बाई फुले थी, जिनको आपके बच्चों को, अपनी बेटियों को याद रखना चाहिए, उसकी जीवन संगिनी को याद रखना चाहिए। सावित्री बाई फुले के बारे में अब तक किसी को नहीं बताया जाता, हमारी माता बहनों को नहीं बताया जाता, सब चीजें बताई जाती हैं, बच्चों को यह तक नहीं बताया जाता कि एक जिस जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो जिस जमाने में क्लास के अंदर घुसने का अधिकार नहीं था, एक छोटा सा बालक खिड़की के बाहर पढ़कर के वो देश का संविधान और विश्व का सबसे विश्व महापुरुष युग पुरुष बन गया। वो जिद थी उनको कि उन्हें उस सिस्टम को खत्म करना है, उसी सिस्टम के माध्यम से आज हम यहां पर बैठे हुए बच्चों को अवार्ड दिलवा रहे हैं। साथियों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सबको पूजा, सबको देखा, लेकिन आपके घर में कम से कम बाबा साहब की तस्वीर आज तो ये प्रण करके जाओ कि जिन बच्चों को यहां अवार्ड मिला है, जिनकी बदौलत मिला है, जिससे पढ़ने का अधिकार मिला है, वो आज ही जाएं और आज ही अपने घर में रिसेप्शन के अंदर बाबा साहब की तस्वीर तो कम से कम लगाएं, जिनकी बदौलत आपके बच्चे को आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर और यहां अवार्ड लेने का मौका मिल रहा है। क्या आप लोग इस बात के लिए अपने ड्राइंग रूम के रिसेप्शन में क्या आप लोग लगाएंगे? बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की तस्वीर लगाएंगे? भाइयों, जय भीम, जय भीम की बात तो सब करते हैं, अधिकार की बात सब करते हैं, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और जिन, बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिलवाया, उन्होंने अपनी दीवारों को देवताओं की दीवारों से पाट के रखा है और बाबा साहब को छुपा के रखा है, आज कसम खा के जाओ कि अपने घरों में, अपने रिसेप्शन में, अपने ड्रॉइंग रूम में बाबा साहब की तस्वीर लगाओ। एक बात आपको पता है, देश की जो हमारी पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, 45,000 सरस्वती विद्या मंदिर हैं, कितने, 45,000 सरस्वती विद्या मंदिर, जहां पर बच्चों को मानसिक तौर पर देश को, उनकी वेदों की संस्कृति को पढ़ाया जाता है, और हम हैं
कि हम अपने बच्चों को बाबा साहब तक नहीं पढ़ा पाए, सावित्रीबाई फुले तक नहीं पढ़ा पाए, आशा हमें उनका भी इनका जीवन संघर्ष पढ़ाना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है जिसको बच्चों के लिए पढ़ाना बहुत आवश्यक है। मेरे पास पर्ची आई है, मैं बहुत बातें कहना चाह रहा था, लेकिन आज बड़ा गंभीर विषय है कि आज आपके बच्चे IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हैं, कि जिन सरकारी नौकरियों की बदौलत आपने अपने बच्चों को यहाँ तक पढ़ाया लिखाया है, उन सरकारी नौकरियों को आज के वर्तमान हालात ने बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। IAS कैडर में भी जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट लेवल पर रखने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए आपको अपने पेरेंट्सों को, बच्चों के पेरेंट्सों को ध्यान देना होगा, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई व्यर्थ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी सरकारी नौकरियां ठेकेदारी में जा रही हैं, सारी संस्थाएं सारी की सारी प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं। आपको इस पर ध्यान देना होगा, ये राजनीतिक नहीं, ये गैर राजनीतिक नहीं, ये हमारे जीवन का रास्ता है जिससे हम लोगों को तरक्की का रास्ता मिला है। ये जीवन का हमारा रास्ता है जिससे हम लोग पढ़ लिख करके ऑफिसर बने हैं और हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर और IAS बन रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने दो तीन चीज और एक कहूंगा कि जो लोग, बेशक ये यूट्यूब चैनल जो हमारा सोशल मीडिया है, ये इस मेरी बात को वायरल करें कि दोस्तों आज की डेट में इतना युवा बेरोजगार है कि कांवड़ लेने के लिए पिछड़ी जाति और दलित जाति का ही सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा ढो रहा है, जिससे IAS नहीं बनेंगे, IPS नहीं बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे। आपने योग्यता प्राप्त की है, आप योग्य हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से अवगत कराइए कि आपका रास्ता शिक्षा के विद्यालय से आपको इंजीनियर बनाएगा, आपको डॉक्टर बनाएगा, आपको IAS बनाएगा, आपको आपको देश का अधिकार बनाएगा, आपको देश का अधिकारी बनाएगा। सत्ता में राजनीति पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को सोशल नेटवर्किंग, सोशल जो समाज में एक्टिविटी हो रही है उनको भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके अगर मेरी बात पसंद आए तो आज ही अपने घर में बाबा साहब की तस्वीर रखिएगा, माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखिएगा, और इनके ऊपर एक और महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी तस्वीर जरूर रखिएगा, जिन्होंने हमारे लिए, महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए शिक्षा का अधिकार दिलवाने के लिए अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके उन्होंने अब इस देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। इसलिए आज मैं एक बार सब फिर लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ एक बार बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद धर्म प्रकाश जी, आपके ओजस्वी और जोशी